केंद्रीय बजट 2023-24 आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है और ये बजट ऐसा कहा जा रहा है मध्यम वर्ग महिलाओं के लिए और कामकाजी लोगों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहा है। आइए इस बारे में बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय भट्ट जी, इस बार का बजट किस तरह देखते हैं आप? सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, कोई छोटा ही नहीं। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जवान हैं, युवक हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति और जो उद्योगपति हैं, कोई भी नहीं। तो इसके लिए वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी बधाई है और पूरे देश में पहली बार इस तरह का बजट आया है। आपके पास सर, चूंकि रक्षा का विभाग भी है, रक्षा क्षेत्र के हिसाब से आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? मैंने कहा ना कि कोई डिपार्टमेंट हो, कोई वर्ग हो, कहीं हो, कोई क्षेत्र हो, अछूता नहीं रहा है। सब जगह बजट जो होना चाहिए था, परफेक्ट बजट आया है, परफेक्ट बजट, कहीं कोई कमी नहीं हुई है। अब छूट देख लीजिए, कितनी ज़्यादा छूट दे दी है हर जगह पर, हर एक को छूट मिली है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा भी होगा, वो भी पूरा कर लिया गया यहाँ। इसलिए मैंने पहले ही कहा, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, कोई नहीं छोड़ता है जो बजट में, इस तरह का बजट इस बार आया है। बहुत ही अच्छा बजट है और हम बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। तो अजय भट्ट जी कह रहे थे कि ये जो बजट है वो सभी के लिए बजट आया है और इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है।